नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारियों को शिवराज सरकार का बहुत बड़ा तोहफा। उपचुनाव से पहले सरकार ने पूरी की यह मांग, आदेश भी जारी। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर जरूर करें ताकि आपको कर्मचारी हित की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की मांग को पूरा कर दिया। सरकार ने मेडिकल कॉलेज के स्वशासी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी शासकीय कर्मचारियों के समान मेडिकल रीइंबर्समेंट की योजना लागू कर दी है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मेडिकल रीइंबर्समेंट की मांग लगभग 25 सालों से कर रहे थे। इसके लिए कई बार जूड़ा और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन सरकार को ज्ञापन और विरोध के माध्यम से अवगत भी करा चुके थे। हाल ही में डॉक्टर्स ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कोरोना संकट काल में रीइंबर्समेंट की सुविधा देने की मांग की थी, जिसे आखिरकार स्वीकृति दे दी गई है। आदेश के लागू हो जाने से शासकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेज के स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त हुए 10,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के समान ही मेडिकल रीइंबर्समेंट प्रदान किए जाने की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। यह स्वीकृति चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के दिशा निर्देशों एवं हस्तक्षेप के बाद जारी किए गए हैं। कोविड-19 महामारी में कार्य कर रहे स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल टेक्नीशियन एवं अन्य स्टाफ के लिए 3,000 प्रति वर्ष के मेडिकल रीइंबर्समेंट का प्रावधान था, जबकि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए इलाज, उपचार एवं जांच का पूर्ण रूपेण मेडिकल रीइंबर्समेंट किए जाने का मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 का प्रावधान लागू है। दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।